नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं भूमि चापानेरी, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के सुर्खियों पे। दमन के एक उद्योगपति की कंपनी में से वोल्वो कार को मुंबई एटीएस पुलिस ने कब्जे में लेते मची सनसनी। पार्टी की नामांकित कॉलेज की अध्यापिका का रिपोर्ट और एक टीचर का रिपोर्ट पॉजिटिव आते बना हलचल वाला माहौल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सांसद की खुदकुशी केस में आरोपियों के सामने कदम उठाने के लिए लोगों में प्रचंड आक्रोश। पार्टी के कुंभारिया गांव में जमीन मामले में भाई भाभी ने मिलकर लकड़े से हमला कर अपने ही भाई और उनकी पत्नी को किया घायल। अब समाचार विस्तार से। दमन में मुंबई की एटीएस पुलिस ने एक उद्योगपति के फैक्ट्री से वोल्वो कार को बरामद करते सनसनी। मुंबई में अंबानी के एसेट के बाहर कार विस्फोट की जांच के लिए दमन में मुंबई की पुलिस पहुंची। संघ प्रदेश दमन के एक उद्योगपति की कंपनी में से वोल्वो कार को मुंबई एटीएस पुलिस ने कब्जे में लेते सनसनी मच गई थी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट भरी हुई कार के केस की जांच के लिए मुंबई एटीएस पुलिस की टीम मंगलवार को दमन आ पहुंची थी। मनसुख हिरेन नामक शख्स की हत्या प्रकरण में जांच का दौर दमन तक आते कई सारे प्रश्नार्थ उठ रहे हैं। कार मामले में शामिल मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच करते जांच में आज मुंबई एटीएस की टीम ने दमन के उद्योगपति की कंपनी में से वॉल्वो कार नंबर MH05DH6789 मिली थी। अभी तक मुंबई एटीएस पुलिस ने सचिन वजे के दोस्तों के सहित छठवीं कार को कब्जे में लिया है। समग्र घटना में संघ प्रदेश दमन और बलसार जिले में जोर शोर में चर्चाएं चल रही थी और दमन पुलिस भी आज दौड़ पड़ी थी। पार्टी के नामांकित कॉलेज के एक महिला प्रोफेसर को और स्कूल की शिक्षिका को कोरोना पॉजिटिव आते सनसनी फैली। दक्षिण गुजरात में कोरोना के केसों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना ने अब स्कूलों में अपनी दस्तक दी है तो पार्टी की एक नामांकित कॉलेज की अध्यापिका का कोरोना पॉजिटिव केस आते अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही कक्षा 6 में पढ़ाती टीचर का भी कोरोना पॉजिटिव केस आते स्कूलों में फफड़ाहट फैल गया है, जो कि प्राइमरी स्कूल की टीचर पिछले 5 दिनों से छुट्टी पर थी। शनिवार को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात प्रिंसिपल ने बताई थी। आखिरी एग्जाम का पेपर पूर्ण होते ही छात्रों को छुट्टी दी गई थी। आरोग्य विभाग की टीम को बुलाकर और साथ ही टीचर के संपर्क में आए 10 जितने टीचर और प्रिंसिपल का कोरोना रैपिड टेस्ट लिया गया था। साथ ही प्रिंसिपल ने स्कूल में नगरपालिका की टीम को बुलवाकर स्कूल को सैनिटाइज किया गया था। पार्टी स्टेशन मार्ग स्थित एक स्कूल में भी 9वीं कक्षा के छात्रा के कोरोना सैंपल लिए गए थे और परसाणा गांव में कोरोना के केस आए होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, तो अब सावधानी बरती जाए वो जरूरी बन रही है। मंगलवार को बलसाड़ में 6, उमरगांव में 1 मिलाकर कुल 7 जितने कोरोना केस पॉजिटिव आए थे। हमारा जरा शिक्षक ने जरा कोरोना ने पॉजिटिव नो खबर आवी એટલે તત્કાલ તાલુકા પંચાયત માં જાણ કરી અને સાથે સાથે અમે નગરપાલિકામાં સેનિટાઇઝરની ભી વ્યવસ્થા કરી નાખી એટલે સેનિટાઇઝ થી વર્ગ અને સાથે સાથે જ્યાં જ્યાં લોબી છે ત્યાં પર સેનિટાઇઝ થઈ જશે અને સાથે જે શિક્ષકો છે એ બધા શિક્ષકોને અમે COVID-19 એટલે જે એને ટેસ્ટ કહેવાય એ પ્રકારનું ટેસ્ટ પણ અમે કરાવ્યું છે। કેટલા શિક્ષકોને કરાયું છે? 10 જણને, 10 શિક્ષકોને। અત્યારે વિદ્યાર્થીઓને ઓલરેડી હતા જ નહીં તે સમયે, વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા હતી એટલે રજા આપી હતી અને તે વર્ગોને રજા જ આપી દીધી છે। દાદરાનગર હવેલી કે સાંસદ મોહનભાઈ ડેલકર કી આત્મહત્યા કેસ મેં આરોપી કે ખિલાફ કાર્યવાહી ન કરતે સંઘ પ્રદેશ કે લોકો મેં આક્રોશ।
સંપ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી કે સાંસદ સ્વર્ગસ્થ મોહનભાઈ ડેલકરકી ખુદકુશી કે એક માહ બાદ સોમવાર કો શામ 4 બજે સિલવાસા કિલવણી નાકા પર શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ રખા ગયા થા। દાદરાનગર હવેલી કે સભી પટેલાદો કે લોક મોહનભાઈ ડેલકર કો શ્રદ્ધાંજલિ દેને કે લિયે બડી સંખ્યા મે આયે થે। કાર્યક્રમ મે કઈ અગ્રણીઓને અપના વિરોધ પ્રશાસન કે ઉપર જતાયા થા। અભિનવ ડેલકર ને સ્વર્ગસ્થ મોહનભાઈ કે અંદાજ મે સંબોધિત કરતે હુએ બતાયા કે પિછલે એક મહિને સે શાંતિપૂર્ણ માહોલ મે કેન્ડલ માર્ચ ઓર રેલિયા નિકાલી થી, પર અબ બસ શાંતિ નહીં, અબ લડાઈ આક્રોશ કે સાથ આગે બઢેંગે। ઓર અધિકારીઓ કો બતાયા કે જિસકે નામ FIR મે હે વો ખુદ સમજ જાય, વરના જનતા છોડેગી નહીં। ઇસ કાર્યક્રમ મે ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર સે ભી કઈ લોગ જુડે થે। અભિનવ ને બતાયા કે મહારાષ્ટ્ર સરકાર પર વિશ્વાસ હે, મેરે પિતાજી ને જો બલિદાન પ્રદેશ કે લોગો કે લિયે દિયા હે વો વ્યર્થ નહીં જાયેગા। સાથ હી અપની માતા કો સંદેશા દેતે હુએ લોગો સે પૂછા કે ક્યા આપ ડેલકર પરિવાર કે સાથ હો, તો ઉસ સમય ઉપસ્થિત સેંકડો લોગો ને એક સાથ એક આવાજ ને હા બોલતે હી પુત્ર અભિનવ ડેલકર ભાવુક બને થે ઓર હાથ જોડકર આભાર વ્યક્ત કિયા થા। ઇસ અવસર પર અભિનવ ડેલકર, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ નિશા પવાર, ઉપપ્રમુખ દીપક પ્રધાન, ડોક્ટર ટીપી ચૌહાણ, જેડીયુ પ્રદેશ પ્રમુખ ધર્મેશ ચૌહાણ, કૌશિલ શાહ સહિત પ્રદેશ કે કઈ લોગ ઉપસ્થિત રહે થે। महाराष्ट्र सरकार का उनका जो इश्यूज चल रहे हैं, दो दिन से जो इश्यूज चल रहे हैं ग्राउंड ट्रेनिंग के बारे में जो बातें आ रही हैं, मेरा इसमें कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन का रोल रहेगा इसमें। अनिल देशमुख साहब से मिला था, जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था मेरे पिताजी के इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर में उनका साथ सरकार अच्छा रहा। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से एफआईआर और एफआईआर जो बंद हुई है वो एकदम परफेक्ट हुई है, और मुझे आशा भी है कि आगे हमें जस्टिस मिले। सिर्फ गृह मंत्री ने हमें आश्वासन भी दिया, पवार सर ने भी, मैंने पहले बताया था, पवार सर ने भी दिए, बाकी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है। और जो जिस तरह से जो पूरा पापा का जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन चलने वाला है वो एकदम निष्पक्ष चलेगा, और हमें आशा है, हमें ठाकरे साहब से आशा है, हम सबसे आशा है कि हमें जल्द से जल्द इसका परिणाम मिला। और जिससे आखिरी सवाल, मोदी और अमित शाह से आपकी क्या अपेक्षा है, कितनी बार आपने उनसे मिलने की बात की? मैं पहले दिन से सरकार से कि ये जो प्रशासक है उनका दहशत एक बनल मन के जो उसको लेकर साइड में दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये इंसिडेंट्स के बाद कैमरे वाले को हटने बोलो, उनकी जो तानाशाही है वो बढ़ते जा रही है। कल भी इन्होंने रोका था पुलिस के डर से, अधिकारियों के डर से हमें डराने की कोशिश की है, लेकिन आज जवाब उनको भी मिल रहा है। फिर केंद्र सरकार से यही विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें परिणाम लाए, वरना डे बाय डे ये जो लोगों का आक्रोश है बढ़ते जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहे हैं। वही आशा करता हूँ कि इसमें केंद्र सरकार, मोदी जी, એમનો ડર છે કે એમના ઓફિસમાં લોકો ન છે, પણ કીધું તેમ આ તો મારા પિતાજીના ડિસિપ્લિન છે, પિતાજીના લોકો, દેશના લોકો, દાદરાગીરના લોકોનો ડિસિપ્લિન છે, જેમનો ડર છે એ ડર જ રહી, એ હકીકતમાં નહીં બને એ અમે આશા રાખીએ, એ જ હું કહું છું। પોતે કંઈ સ્ટેન્ડ લઈ કંઈ मैं आगे बढ़े, पोते राजीनामा आप दे, भाई हमें आशा रखिए। मैं बता देता हूँ कि मोहन भाई डेलकर के समर्थकों द्वारा और दादरा नगर हवेली की जनता द्वारा ये जन आंदोलन जो चल रहा है वो शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर या प्रदेश की शांति को भंग करने का किसी का इरादा नहीं है, लेकिन जब तक जो आरोपी है FIR में, अधिकारी लोग हैं, वो अपना पद नहीं छोड़ते हैं, तब तक यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि यह अपनी मांग दोहराती रहेगी। इसके लिए जो भी संविधान के तहत, संविधान के भीतर जो भी हमारे अधिकार है आंदोलन के, वो हम करेंगे। हम इतना चाहते हैं कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है, स्वतंत्र जांच नहीं हो जाती है, एटलीस्ट तब तक ये अधिकारी का अपने प्रशासनिक पद से हट जाए, प्रशासनिक सत्ता वो छोड़ दे, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच संभव बने। पाली के कुंभारिया गांव में एक बुजुर्ग
दंपति को उनके रिश्तेदारों ने लाठियों से हमला किया। आडी टेसियों के कुंभारिया गांव में रहते गौरांग भाई मनुभाई कोड़ी पटेल के पिता मनुभाई बाबर भाई पटेल उम्र वर्ष 70 और माता इलाबेन मनुभाई पटेल उम्र वर्ष 62 साल को अपने भाई भाभी दलपत बाबर भाई पटेल और पत्नी ज्योतिबेन दलपत भाई पटेल ने लकड़ियों से वार करते दोनों घायल हुए थे और जान से मार देने की धमकी भी दी थी। घटना के बारे में मनुभाई के पुत्र गौरांग को जानकारी मिलते ही वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे और तुरंत ही 108 एम्बुलेंस के जरिए पाडी मोहनदयाल अस्पताल में उपचार के लिए दोनों को लाया गया था, जहां पिता को मुंह के बल और शीर में चोटें आई थी और पैर में फ्रैक्चर भी हुआ था, जबकि माता को सिर में चोटें आते। समग्र घटना के बारे में पाडी पुलिस थाने में गौरांग पटेल ने अपने चाचा दलपत भाई और चाची ज्योतिबेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। पटेल छे आमा पप्पाने मम्मीने मायरामा काकावणा हवारे हवारे 7:30 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો મે વાપ્યો હતો અહીંયા મમ્મી પપ્પા લોકો અહીંયા કુંભારિયામાં હતા એ બેનના લગ્ન છે એટલે બધું કામ કરવાનું છે આપણે તો એ લોકો આવીને ઘેરમાં આવીને મારવા લાગ્યા અને એમ બી કે મારા ઘેરમાં શું લેવા તમારે તમે અહીં નીકળો અને જમીન બધું મને આપો એમ બધું કહે એવું બધું કહે સાના મારા કાકી હતી ને કાકો હતો અને એના બે છોકરાઓ નાના એ લોકો લાકડાથી જ મારે ગામથી કે આવું આવું કર્યા કરતો છે ઝઘડો થયા કરતો છે તમારી ઘેર તું આવ જલ્દી એટલે મેં તરત જ ત્યાંથી તરત આવ્યો મેં અહીંયા કુંભારી તમારા મમ્મીને માથામાં લાગ્યું છે 5% આવ્યા છે પપ્પાને પગમાં લાગ્યું છે મણિયામાં મેં મોડામાં લાગેલું છે મેં જ્યાં પછાડી સૂજા માયરા હતા સૂજા ચડેલો વલસાડમાં તુફાની બેલ કો 4 ઘંટે કે રેસ્ક્યુ કે બાદ પકડને સે લોગો ને રાહત કે સાંસ લી વલસાડમાં તુફાન પર ચડે એક બેલ ને આતંક મચાયા થા बैल को बलसाड की अग्निवीर गौ सेवा दल ने युवाओं ने 4 घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा था और उपचार के लिए भेजा था। बलसाड शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बैल ने धमाल मचाई थी, कई वाहनों और राहदारियों को जपेट में लिया था। अग्निवीर गौ सेवा दल की टीम को जानकारी मिलते ही वे तुरंत ही पहुंच गए थे और 4 घंटों की मशक्कत के बाद राखोड़िया तालाब के पास से बैल को पकड़ते ही लोगों ने राहत की सांस ली थी। અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી રખડતી બીમાર ગાયોનો ઈલાજ કરતા રહીએ છીએ અને 2-3 દિવસથી હમણાં એક નંદી મહારાજનો કોલ અમને આવી રહ્યા હતા એ લોટસ ને રખોડી તરફ અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર બહુ ધમાલ કરેલો હતો અને ઘણા બધા માણસો અને બાઈકોને એને નુકસાન પહોંચાડેલું હતું। આજરોજ અમારી ટીમ અગ્નિવીર ગૌ સેવા દળ ડુંગરી વલસાડ બંને સંયુક્ત ભેગા થઈને ઓપરેશન પાર પાડેલું છે, નંદી મહારાજને પકડી લીધેલું છે અને એ અત્યારે પાગલની અવસ્થામાં છે, ગાંડો થઈ ગયેલો છે। ધમાલે मिली जानकारी पर पाड़ी तहसील के उदवाड़ा उरवाड़ नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्थित होटल शिव दर्शन के पास आए पप्पू भाई स्क्रैप वाले के गोदाम ने गैर कानूनी बिल के बिना लोहे के सलिए वापी के एक स्क्रैप के व्यापारी को दिया। होने की जानकारी मिलते ही लोहे के सलिए चोरी के होने का बाहर आते पुलिस ने जांच शुरू की थी। स्क्रैप के गोदाम में 2 शख्स थे जिनकी पूछताछ करते उन्होंने जय सिंह उर्फ पप्पू वीरेंद्र सिंह राजपूत उम्र वर्ष 38 निवासी उदवाड़ा उरवाड़ मानिक नगर मूल निवासी यूपी गोदाम के मालिक और किस्मत अली उर्फ ननकू चिंगारी भाई मनिहार उम्र वर्ष 40 साल वापी छरवाड़ा मूल निवासी यूपी जो छीरी गाला मसाला में स्क्रैप का व्यापार करते होने का बताया था। दोनों आरोपियों के पास लोहे के सलियों के बारे में बिल पेश करने के लिए कहते एक भी प्रत्युत्तर नहीं देते पुलिस ने 3 लाख
86,875 का मुद्दा माल कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच पुलिस ने शुरू की है। वलसाड रेलवे स्टेशन के पास DFCC परियोजना के तहत पालिका क्षेत्र में 2 दिन पानी का सप्लाई बंद किया जाएगा। वलसाड रेलवे स्टेशन के पास DFCC प्रोजेक्ट अंतर्गत नया ट्रैक बनाने की कामगिरी चल रही है। उसी जगह से वलसाड नगर पालिका की अब्रामा हेड वर्कर से 450 mm डाया की पीने के पानी की पाइपलाइन आती है। लाइन को शिफ्टिंग करने की कामगिरी भी चल रही है, जिसके लिए लाइन कट कर नई डाली गई लाइन के दोनों ओर जोड़ने की कामगिरी 24 और 25 मार्च 2021 के दौरान की जाएगी। उसी के चलते दोनों दिन बसा नगर पालिका शहर में आते सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई बंद रहेगी। अब्रामा जोन और मुगरावाड़ी जोन क्षेत्र में पानी की सप्लाई चालू रहेगी। ये कामगिरी पूर्ण होते ही टंकियों के भर जाने के बाद पानी सप्लाई दिया जाएगा, जिसको लेके शहरी जनता को पानी का विवेक पूर्ण इस्तेमाल करने और नगर पालिका को साथ सहकार देने की अपील की गई है। रेलवे ना फ्रेट कॉरिडोर ना काम चाले छे, एक नवी लेन ट्रेक ए लोग बनाई रहा है અને એના માટે પાણીની લાઇન શિફ્ટ કરવાની જરૂર છે। અમારી વર્ષો જૂની જે 450 mm ડાયાની રાઇઝિંગ મેઇન છે કલ્યાણબાગ સંપમાં આવે છે એ લાઇનને શિફ્ટ કરવાની હોવાથી 24 તારીખ અને 25 તારીખ એટલે કે બુધવાર અને ગુરુવાર 2 દિવસ માટે એમણે બંધ કરાવેલું છે અને ત્યારબાદ અમે રેગ્યુલર પાણી આપીશું। એટલે વલસાડ નગરપાલિકાના ઔરંગા ખાતેના ડેમમાં પૂરેપૂરો ભરેલો ડેમ છે અને પાણીનો કોઈ જથ્થાની કમી નથી। ફક્ત રેલવેના જે પાઇપલાઇન શિફ્ટિંગના કારણે જે છે એમાં પ્રજાજનો વલસાડ શહેરના નાગરિકો અમને સાથ સહકાર આપે એવી અપેક્ષા રાખે છે। અને જે સિઝન છે એમાં આપણે કરકસરયુક્ત રીતે પાણી વાપરીશું, એવી રીતે આપણે પાણીનો બચાવ કરીશું તો આપણા શહેરીજનોને એનો આગામી વર્ષોમાં આપણને કામ આવશે। धर्मपुर के बोपी गांव में कार में से अवैध के गेहूं का चट्टा जब्त किए गए। धर्मपुर के बोपी क्षेत्र में PCR1 ने पेट्रोलिंग के दौरान एक शंकास्पद इको कार में जांच करते 18,000 के दाम से ज्यादा दामों के साथ गैरकानूनी गेहूं का जत्था मिलते आगे की जांच मामलतदार ने शुरू की है। धर्मपुर PCR1 पेट्रोलिंग में थी, उस दौरान बोपी गांव के 3 रास्ते पर से पसार हो रही इको कार नंबर GJ21CA9331 की जांच करते कार में से 18,400 के दाम की 20 गुनी गेहूं मिले थे। कार चालक की पूछताछ करते ईश्वर पन्नालाल गुज्जर उम्र वर्ष 22 साल निवासी वांसदा कामड़झरी मूल निवासी मेथला पार आसिम जिला भीलवाड़ा राजस्थान होने का बताया था और गेहूं मारुति नंदन किराना स्टोर कामड़झरी से हनुमंत माड़ देवनारायण किराना स्टोर में ले जाने का बताया था। पुलिस ने गेहूं की गुनियों को कब्जे में लेकर आगे की जांच मामलतदार कर रहे हैं। पार्टी GIDC में शहीद दिन के अवसर पर रक्त शिविर में 75 बोतल एकत्रित किए गए। 23 मार्च आज रोज शहीद दिन हो देश भर में मनाया जा रहा है, तो उसी अवसर पर हरेक जगहों पर वीर जवानों भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो 23 मार्च मंगलवार को पार्डी में GIDC हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। ब्लड कैंप आयोजित किए गए हैं जो 1500 जीतने हैं। जरूरतमंद लोगों को समय पे खून मिल सके और किसी की जान बच जाए उसी उद्देश्य के साथ ये कैंप आयोजित हुआ है। कैंप में GIDC में आई हुई कंपनियों के मैनेजर कर्मचारीगण वल्लभ आश्रम स्कूल का स्टाफ और रक्तदाताओं ने रक्तदान कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। रक्तदान कैंप में मानव आरोग्य सेवा केंद्र के डॉक्टर MM कुरेसी दिनेश साकरिया संजय बारिया मानव सेवा आरोग्य की टीम ने सेवा बजाई थी और कार्यक्रम को सफल बनाया था। कैंप में 75 से ज्यादा रक्त की बोतलें एकत्रित की गई थी। આજે શહીદ દિન નિમિત્તે આખા ભારતમાં 1500 બ્લડ બેંક રજીસ્ટર કરીને એક જ દિવસે 1500 બ્લડ બેંક બ્લડ ડોનેટ કરી રહી છે। આનો મુખ્ય આદેશ આજે ગિનેશ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં રેકોર્ડ કરવાની
તૈયારીના ભાગરૂપે આજે 1500 બ્લડ બેંક કેમ્પ કરી રહી છે. આમ તો રેકોર્ડ લગભગ 37,000નો ગિનિસ બુકમાં રેકોર્ડ છે, પણ આજનો ટાર્ગેટ લગભગ 90,000થી ઉપર બ્લડ ડોનેટ કરવાનો છે. એટલે કદાચ આ વિશ્વમાં આજે ભારત એક અનોખું કદમની પહેલ કરી રહ્યું છે. દરેક મિત્રોને મારી એક નમ્ર વિનંતી કે આજના દિવસે આપ જ્યાં હોય ત્યાંથી ફક્ત 1/2 કલાક પોતાનો સમય કાઢીને ફાઉન્ટેન હોટલ કિલ્લા પાડીની પાછળ જીઆરડીસીનો જે હોલ છે ત્યાં આગળ આવી આપ બ્લડ ડોનેટ કરશો. હાલ સુધીમાં લગભગ 25થી વધારે યુનિટ બ્લડ થઈ ગયું છે. એમાં જીઆરડીસીના કર્મચારીઓ, મેનેજરો અને વલ્લભ આશ્રમના સ્ટાફ સારી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે અને અમારો ટાર્ગેટ લગભગ 100ની આસપાસનો આવ્યો છે. તો યે થે આજ કે સમાચાર. નય સમાચાર કે સાથ કલ ફિર મિલેંગે. નમસ્કાર.